जो टॉपिक आज हमारा राजस्थान, वी विल टॉक अबाउट अवर राजस्थान, हमारे राजस्थान के बारे में बात करेंगे। इस समस्या के लिए सॉरी मांगता हूँ, फिर भी आप एक बार शेयर कर दीजिए और लोग जुड़ जाएंगे आई होप। चलिए टॉपिक हमारा राजस्थान। तो एक दिन मैंने राजस्थान के बारे में और भी डिटेल से वीडियो लेके आया था, उसके पहले मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं, तब तक और लोग जुड़ जाएं, फिर हमारा आज का जहां से शुरू होगा उस टॉपिक को वहां से शुरू करेंगे। तो हमारा राजस्थान मैंने बताया, जैसे नाम है राजस्थान, ये पहली बार किसने यूज किया? जॉर्ज थॉमस करके एक राइटर है, उन्होंने 1800 में अपनी पुस्तक में पहली बार एक शब्द यूज किया जो या राजस्थान बाहर राजपुताना का, उन्होंने क्या नाम रखा उसके अंदर, राजपुताना उसका नाम रखा। एक बार आप शेयर कीजिए और लोग जुड़िए ताकि हम बताएं आपको राजस्थान के बारे में। तो उन्होंने नाम क्या रखा, राजपुताना। राजपुताना क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो शासक हुए करते थे वो ज्यादातर राजपूत जाति के हुआ करते थे। जैसे अपन अगर बात करें, जैसलमेर में भाटी राजपूतों का वंश हुआ करता था, जोधपुर में कौन हुआ करते थे, राठौड़, बीकानेर में भी राठौड़ों की शाखा काम करती थी, जयपुर में कछुआ वंश के राजपूत जो थे वो क्या शासन करते थे, मेवाड़ की बात करें तो गुइल वंश के जो शासक थे वो राज शासन करते थे। तो पूरा राजस्थान जो था वो राजपूत शासक, इसका नाम राजपूताना रखा गया। बाद में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान के इतिहास का उन्हें क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। एक बार आप शेयर कीजिए, जो पहले लाइव था वो अच्छा उसका फ्लो था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से इसमें क्या हो जाए गड़बड़। मुकेश चौधरी हाय, गुसाई जी वेरी नाइस। चलिए एक बार आप शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं और लोग जुड़ जाएंगे, कोई बात। चलिए अपन बात करते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी, द एंटीक्विटीज एनालिसिस एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब लिखी उन्होंने। उनमें पहली बार उन्होंने राजस्थान शब्द प्रयोग किया और इस तरह से हमारे राज्य का नाम क्या हो गया, राजस्थान हो गया। 7 सनों में हमारे राजस्थान का क्या होता है, एकीकरण होता है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। आज हम जो बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में, वो हम इसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कितने जिले हैं इसके अंदर, वो जिले की सीमा किस किस राज्य से लगती है और किस किस देश से लगती है, और कैसे उनका निर्माण हुआ, कौन से अंतर्राज्य जिले हैं और कौन से अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं सीमा टच करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार आप शेयर जरूर कीजिए ताकि क्या हो सके और लोग जुड़ सकें और फिर हमारा लाइव क्या हो सके अच्छे से जा सके। गुड, ओपन द डोर फॉर राजस्थान जानकारी। चलिए गिरधारी देवासी थैंक यू। अभी अपन खोलते हैं, कौन सा आपने कहा पिटारा खोलिए हमारे राजस्थान के बारे में, चलिए हम खोलेंगे। चलिए पिटारा शुरू करते हैं अपना राजस्थान। तो नाम बता दिया मैंने आपको, अब इसकी थोड़ी सी जियोग्राफिकल क्या बात, आज जियोग्राफी के बारे में बात है। तो सबसे पहले जियोग्राफी में जानने की क्या चीज़ होती है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी भारत में राजस्थान कहाँ पड़ता है। 4 दिशाएं होती है आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब राजस्थान का अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, जो राजस्थान है वो राजस्थान किस दिशा में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। कौन सी में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। तो इस वजह से राजस्थान की जो स्थिति भारत में हुई वो कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम हुई। ज्यादातर जिले पश्चिम में, कुछ भाग है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम रखते हैं उत्तर की दिशा में। ये हमारे राजस्थान की स्थिति है। अब आपको क्या जानना जरूरी है, कल मैंने आपको इंडिया के अक्षांशीय विस्तार बताया, याद होगा आपको। चलिए बता दीजिएगा आप मुझे कमेंट में किन किन को याद है। कल मैंने आपको भारत की जानकारी दी थी, तब मैंने बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, कितने लोगों को याद है, चलिए आप बताइए मुझे यहां पे कमेंट में, जल्दी से बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। कल अपन डिस्कस कर चुके हैं, आज देखते हैं आपका कितना मेमोरी आप सेव रखते हो। चलिए अब मैं बताता हूं आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो इसकी स्थिति क्या हुई, नॉर्थ ही, तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, इसका इसके पीछे लिखा आएगा नॉर्थ। एक बार शेयर कीजिएगा ताकि और लोग क्या कर सकें, जुड़ सकें। चलिए बेनीवाल साहब नाइस थैंक यू, एक बार शेयर कर दीजिए आप और लोग जुड़ जाएं, फिर अपने अच्छी बात करें। चलिए आप आंसर दीजिएगा, भारत का आपको अक्षांशीय विस्तार बताना है, आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग जुड़े हुए हैं जो। चलिए तो अब राजस्थान की बात करें, 23.3 नॉर्थ से 30.12 ये राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। कहां से कहां तक है, देखिए बांसवाड़ा जिला है, उसका एक गांव है बोरखेड़ा, गांव का नाम क्या है, बोरखेड़ा। उस गांव से राजस्थान शुरू होता है, उससे नीचे चले जाओगे तो गुजरात की सीमा आ जाएगी या फिर मध्य प्रदेश की सीमा आ जाएगी। वहां 23.3 मिनट पे क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट पे बोरखेड़ा गांव से हमारा राजस्थान शुरू होता है। फिर अपन चलते हैं ऊपर 30.12 नॉर्थ पे क्या है, 30.12 नॉर्थ पे आपका क्या है, गंगानगर का एक गांव है कोणा, गांव का नाम क्या है कोणा। ये अंतिम है, ध्यान रखिए जो मैं गांव बता रहा हूं नाम बताऊं, ये अंतिम है। उसके बाद अगर उस गांव को पार कर जाओगे गंगानगर में, तो या तो आप पंजाब में चले जाओ या पाकिस्तान में पहुंच जाओगे। इस वजह से ध्यान रखना 23.3 से 30.12। चलिए आप सबका स्वागत है, थैंक यू फॉर शेयरिंग, एक बार और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं और हमारा फ्लो अच्छा बना रहे। चलिए ये रिक्वेस्ट रहेगा। अब आप जानते हैं, मेरी टेक्निकल टीम भी जानती है, आप सब जानते हैं कि शेयर करना है ताकि और लोग जुड़ जाएं और हम इस ज्ञान को क्या रखें, आगे जारी रखें, अच्छी जानकारी दे पाएं। तो मैंने अक्षांशीय विस्तार बताया 23.3 से, और एक सरप्राइज वाली बात बता देता हूं, आज मैं आपको मेरी खुद की लिखी हुई कविता सुनाऊंगा जब क्या होगा हमारा ये कार्यक्रम खत्म होने वाला होगा, तब
मजदूर वर्ग है जो इस तरह से सड़कों पे जो भटक रहे हैं उनके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। सोचा मन में कवि था तो बाहर आ गया तो सोचा लिखा है, आपके सामने पेश करूंगा, आप बताइएगा कैसी रही, ठीक है। लास्ट में आपको सुनाऊंगा तो आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा उस पर। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। 23.3 से 30.12 कौन सा बोरखेड़ा गाँव, ऊपर कौन सा गाँव हो गया, कोणा गांव हो गया। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश का मतलब क्या होता है, खड़ी रेखाएं। ये हमारा अक्षांशीय क्या है, विस्तार है। इसमें कितना अंतर है तो दोनों के बीच में 7.9 डिग्री का क्या है। चलो भागो ट्राई इंडिया की भी, चलो भागो थ्री इंडिया की। चलिए अब देखिए राज्य, आपने ईश्वर साई जाट ने बताया 68.7 है, 97.25 ये देशांतरीय विस्तार हो गया ईश्वर। चलिए ये जो शाम खान पाक करके ये गलत शब्द बोल रहा है इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। फोन नहीं है भाई साहब, आप कम से कम चीजें तो कुछ नहीं है, नेगेटिव लोग होते हैं कुछ इनकी आदत होती है। ये कौन है इसको आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फालतू की चीजें आप यहाँ पे मत कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, आप यहाँ से निकलिए। चलिए देखिए आपको अब राजस्थान की बात करें, 23.3 से 30.12 के बारे में अपन बात करें तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की बात करें अगर अपन तो 69.30 से 78.17 69.30 कहां पर होगा, जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा गांव, कटरा गांव। वहां से लेकर धौलपुर का एक आपका सिलोन करके गांव है, उस सिलोन गांव तक क्या है हमारा ये राजस्थान फैला हुआ है। तो अक्षांशीय विस्तार और दूसरा कौन सा हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार, ये मैंने बता दिया है। तो आपको मैंने जो सवाल पूछा उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो ये गांव, चार गांव आप याद रखिए सीमा के, कौन से चार गांव, बांसवाड़े का कौन सा, बोरखेड़ा, गंगानगर का कौन सा, कोणा, जैसलमेर का, कटरा और आपके धौलपुर का सिलोन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के चार मुख्य जिले, उत्तरी जिला गंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, पश्चिमी जिला कौन सा जैसलमेर, पूर्वी सबसे जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। चलिए एक बार आप शेयर कीजिए ताकि और लोग क्या हो सकें, जुड़ सकें। अब बात करते हैं अपन राजस्थान का, यह अक्षांशीय विस्तार बता दिया। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की दूरी कितनी है, यानी उत्तर से पश्चिम के बीच में विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो अगर उत्तर से पश्चिम के, उत्तर से दक्षिण के बीच में अपन विस्तार की बात करें तो वो विस्तार है आपका कितना, 826 किलोमीटर। कितना है, 826 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भार राजस्थान है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर है। अगर आप गंगानगर से रवाना होते हो बांसवाड़ा, आपको 826 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब आप जैसलमेर से रवाना हुए धौलपुर पहुंचना है तो आपको 869 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, यानी वो कितनी दूरी है, वो दूरी है आपकी 869 किलोमीटर। तो ये चीज ध्यान है। कल मैंने बताया था भारत का, तो क्या आप में से अभी कोई आंसर दे सकता है, भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच में कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर की दूरी है, ये आपका सवाल है मेरे से। तो मैं सवाल पूछता रहूंगा, आप जरूर आंसर दीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप आंसर जरूर कीजिए। भारत का आपको उत्तर से दक्षिण के बीच में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में कल बताया था, दूरी बताइए। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की दूरी, मैंने बता दी 826 कहां पे है, उत्तर से दक्षिण, यानी राजस्थान उत्तर से दक्षिण कम फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम क्या फैला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की। चलिए एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पर अपन बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल, तो जो टोटल क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग किलोमीटर है। 342,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार क्या पूछ लिया जाता है, वर्ग मील में पूछ लिया, आजकल ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, सवाल पूछने के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। 342,249 सबको याद है, 34, 22, 39 सबको याद है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो आपको वर्ग मील में पूछ लेगा, तब आप क्या करना है, आंसर बता देता हूं आपको, 132, 140 याद कर लो, 132, 140 ये वर्ग मील किलोमीटर, वर्ग मील क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, कितना है, 132,140 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा, मील में आप याद कीजिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और कितना हमारे पास जमीन है, ये मैंने एक दिन क्लास में बड़ा राज्य ये तो बता दिया था, कितने प्रतिशत राजस्थान के पास जमीन है, 10.41% राजस्थान के पास पूरी भूमि का, राजस्थान के पास कितना है, 10.41% राजस्थान के पास में है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं पॉपुलेशन, What does it mean population? Population means जनसंख्या, लोग कितने रहते हैं, इतना क्षेत्रफल है तो काफी लोग रहते होंगे। चलिए एक बार आप शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए, जितने भी ग्रुप्स में आप पेजेस में जुड़े होते हैं वहां आप क्या उसको एक बार शेयर कर दीजिए तो और लोग जुड़ जाए और हम जान सकें। चलिए अब अपन बात करते हैं, मैंने जो सवाल पूछा उसका आंसर देते रहिएगा। आपका पॉपुलेशन की बात करें, भारत की पॉपुलेशन कल मैंने बताया 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या है 6 करोड़ 85 लाख, कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के
अनुसार, तो ये ध्यान रखनी। और ये भारत की कितनी है, तो 5%, लगभग 5.61% के आसपास ये क्या है भारत की। भारत में मान लो 100 लोग रहते तो 5 राजस्थान में मिलेंगे आपको। भारत के पास 100 किलोमीटर जमीन है तो 10 किलोमीटर जमीन कहाँ होगी आपके, राजस्थान में होगी। चलिए अब बात करते हैं, शेयर कीजिए और लोग जुड़े ताकि हमारा ये आंकड़ा क्या नहीं जाए, डाउन नहीं जाए, आप एक बार शेयर कर दीजिए। अब अपन बात करते हैं हमारे राजस्थान के जिलों के बारे में, ये बहुत ही फैसिनेटिंग। आपको मैं 33 के 33 जिले अंगुलियों पर याद करा दूंगा, आप बस रुके रहिए और सुनिए ध्यान से। क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर राजस्थान के एक ट्रिक भी लाते हो आप कुछ बना करके, वो नहीं यूज करना है आपको। मैप के थ्रू बताऊंगा आसानी से राजस्थान के सारे जिले, आप ऐसे अंगुलियों पे बताओगे कौन से राज्य की सीमा लगती है वो भी आप आसानी से बताओगे, कितनी लगती है वो भी आसानी से बताओगे। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान के जिलों के बारे में, 33 के 33 जिलों में घुमा के लेके आऊंगा, बस आप ठहरिए। एक रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इस ज्ञान का क्या हो सके, फायदा हो सके। लेट्स स्टार्ट। देखिए राजस्थान, आप पूरा राजस्थान का अगर मैप देखा है तो कैसा है आपका, सतुष्कोणीय है, यानी सतुष्कोणीय बना हुआ है। अब अपन शुरू करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साइड से याद करना शुरू कीजिए, जो मैप का उत्तर दिशा होता है वहां से। तो सबसे ऊपर जिला कौन सा बताया मैंने, गंगानगर, वहां से शुरू करते हैं, यानी गंगानगर हमारा सबसे ऊपर का जिला हो जाएगा। फिर गंगानगर से आपको पूर्व की तरफ जाना है, पूर्व की तरफ, गंगानगर से पूर्व की तरफ जाओगे तो आपका आएगा गंगानगर, फिर आएगा हनुमानगढ़, फिर आएगा चूरू, फिर आएगा झुंझुनू, फिर आएगा सीकर, फिर आएगा जयपुर, फिर आएगा अलवर, भरतपुर, फिर आएगा करौली, फिर आएगा सवाईमाधोपुर, फिर आपका आएगा कोटा, उसके बाद बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उसके बाद अगर ऐसे इधर आते रहिए आप, ठीक है, समझ में आ रहा आपको, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फिर से वापस गंगानगर। देखिए सीमा सीमा अपन दौड़ के आ गए, ये 25 जिले हो गए, मैंने नाम लिया 25 जिले। देखिए आपको कुछ भी ज्यादा इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि आप उसकी ट्रिक याद, ट्रिक से मत याद, मैप से याद कीजिए। मैप, ज्योग्राफी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैप। अब आपकी समस्या क्या हो जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ ये याद रह जाते दो, फिर क्या होता है वहां पे गड़बड़ हो जाता है, चूरू पहले के, झुंझुनू पहले के, सीकर पहले, क्या करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर याद कर लीजिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ABCD याद कीजिए, गंगानगर हनुमानगढ़ याद हो गया, गंगानगर के नीचे हनुमानगढ़ है, फिर आप देखिए चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीन याद कीजिए, चूरू सी, झुंझुनू जे, सीकर एस, तीनों देखिए सी पहले आता है, फिर जे आता है और फिर क्या आता है, एस आता है, ये तीनों ये क्रम यहां हो जाएंगे, सी जे एस, चूरू झुंझुनू सीकर, तीन हो गए। फिर पीछे अपने को या फिर से यहां से याद कीजिए, फिर आपका आता है जयपुर, चूरू झुंझुनू सीकर, फिर क्या आएगा जयपुर, जयपुर हमारी राजधानी हो जाएगी, जयपुर के नीचे आपका अलवर, ठीक है, अलवर से नीचे कौन सा हो जाएगा भरतपुर, फिर कौन सा हो जाएगा धौलपुर और फिर कौन सा हो जाएगा करौली, ये चार राज्य कंटिन्यू हो जाएंगे, सॉरी जिले। उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर आइए उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बारा, झालावाड़, कोटा बारा, झालावाड़, और फिर आपका आ जाएगा चित्तौड़, फिर आ जाएगा प्रतापगढ़, और उससे नीचे आओगे आपका आ जाएगा भीलवाड़ा, ये सीमा लगती है, सॉरी बताया नहीं पिछली बार, भीलवाड़ा, फिर आपका क्या आ जाएगा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर डूंगरपुर से आगे इस तरह सीमा पे आते रहिए, मैप की सीमा सीमा पे दौड़ना, अंदर नहीं जाना, अंदर 8 जिले वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए फिर उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, सिरोही से जालौर में आ जाते हैं, जालौर से अपने बाड़मेर में, बाड़मेर से जैसलमेर में जाओ, जैसलमेर से बीकानेर में, बीकानेर से गंगानगर में, 25 जिले क्लियर हो गए। पीछे बचे 8 जिले, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन जिलों की किन राज्यों से सीमा लगती है वो बात करते हैं, उत्तर से शुरू करते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, इन दो जिलों को याद कीजिए, इसकी सीमा पंजाब राज्य के साथ, कौन से राज्य के साथ, पंजाब राज्य के साथ, इन दो जिलों की सीमा कितने किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सीमा लगती है, और ये राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है किसी राज्य के साथ में, सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ में, और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ में सिर्फ और सिर्फ कितनी, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, किस दो जिलों से, सिर्फ हनुमानगढ़ और गंगानगर। चलिए शेयर कीजिए आप एक बार, और लोग जुड़े हैं ताकि, ठीक है, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी जानकारी दे रहा हूं मैं, आप इतना काम कर सकते हैं आप मेरा, प्लीज जो लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली इससे भी आगे, ठीक है। और आपको मेरी पोइम तो आप पूछेगा मत कितनी अच्छी लगेगी, आप जुड़े रहिएगा। चलिए जो गंगानगर हनुमान हो गया, अब आते हैं अपन नीचे, अब दूसरा राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा की 7 जिलों के साथ सीमा लगती है, कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ, वो जिले सुन लीजिए, वो 7 जिले आपके हैं, गंगानगर को ऊपर छोड़ दीजिए, अब आइए हनुमानगढ़ पे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, गिनिए 7 हो गए, दोबारा बता रहा हूं, गंगानगर को छोड़ दीजिए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन 7 राज्यों के साथ किसकी सीमा, हरियाणा की सीमा लगती है, ठीक है। अब ये हरियाणा कंप्लीट हो गया, इसके बाद आते हैं अपने उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की फिर से 2 की सीमा लगी, दो जिलों के साथ, और वो दो जिले कौन से हैं आपके, भरतपुर और धौलपुर, बस याद कर लीजिए, भरतपुर और धौलपुर, और उत्तर प्रदेश के ही 2 जिले लगते हैं राजस्थान से, मथुरा और आगरा,
मथुरा और आगरा। तो देखिए ये दो जिले इधर, फिर अपन नीचे चलते हैं, ये सबसे लंबी लाइन होगी कौन सी, मध्य प्रदेश वाली। एक बार शेयर कीजिए आप, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश के साथ हमारे 10 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 10। 10 के 10 नाम याद कर, 10 के याद नहीं होते, सिंपल है। आप क्या करिए, धौलपुर को ले लीजिए, भरतपुर को ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, धौलपुर को लीजिए। तो धौलपुर को लेते हैं, धौलपुर से नीचे आइए, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है। उसके बाद में आपका चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर बांसवाड़ा। गिनिए टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ये 10 जिले हैं जिसकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। टोटल कितनी लगती है? 1600। तो ये तरीका आपको समझ में आएगा कितना आसान है। आप आसानी से क्या कर दीजिए, आप एक बार शेयर कीजिए। 93 लोग देख रहे हैं, आई वॉन्ट 100 प्लीज। मेरा, मैंने आपके लिए अच्छा इतना काम किया है, तो एक बार आप मेरे लिए 100 का आंकड़ा पाया, थैंक यू, थैंक यू। अब आपका टारगेट होना चाहिए 150। अब क्या करें, ये चीज ऐसी है, तो आप ऐसा कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने 10 जिलों के नाम बताए आपको, ये 10 जिले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फिर से बता दूं, चलिए धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर कोटा बारा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ भीलवाड़ा बांसवाड़ा, गिन लीजिए 10 होंगे। 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ में, सबसे लंबी सीमा 10 जिलों के साथ में। अब आते हैं अपने चौथा, जो आपका कौन हो गया, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब पीछे गुजरात। गुजरात पांचवा जिला है, पांचों जिलों के साथ, पांचों राज्यों के साथ ही लगती है। गुजरात की सीमा लगती है 6 जिलों के साथ, सुन लीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोई, जालोर और बाड़मेर। बाड़मेर गुजरात का अंतिम, बाड़मेर से आगे सीमा नहीं लगती। कौन कौन से 6 जिले सुन लीजिए फिर से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोई, जालोर और बाड़मेर। ये आपके हो गए कौन, राज्य राज्य, ठीक है। अब आप कहोगे 25 नए नाम बताए, अभी 25 नहीं हुए, तीन राज्य और बाकी है, जिनके दो राज्य और बाकी है, कौन सा, जैसलमेर बीकानेर, उसकी सीमा नहीं बताई, गंगानगर की बता दी, बाड़मेर की बता दी, दो बीच में रहे उनकी बताते हैं आपको। देखिए अब जब गुजरात खत्म हो जाता है, गुजरात खत्म होने के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो वो सीमा कहलाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए अगर किसी राज्य की दूसरे राज्य से सीमा लगते हैं, उसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बॉर्डर कहते हैं। और अगर वही सीमा अगर किसी देश के साथ लग जाए, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भारत राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है एक ही देश के साथ, दैट इज पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ में। चलिए शेयर करते रहिए, लोग कम नहीं पढ़ने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा किसके साथ। पाकिस्तान की टोटल भारत के साथ सीमा जो लगती है, वो लगती है 3310 किलोमीटर। कितनी? 3310 किलोमीटर। किसके साथ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इन चार जिलों राज्यों के साथ पाकिस्तान की टोटल सीमा लगती है। अपन आज बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कितनी? 1070 किलोमीटर, याद रखना है। कौन से चार जिले हैं? चार जिले हैं आपका जैसलमेर, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर से शुरू करते हैं, ठीक है, पश्चिम से, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और आपका गंगानगर। ये चार जिले कहां पे लगेंगे? आपके पाकिस्तान से सीमा लगेगी। तो अब बात करें अपन सबसे अधिक किसकी? जैसलमेर की। 400 और कुछ किलोमीटर है, वो लगती है किसकी? 408 किलोमीटर लगती है किसकी? जैसलमेर की। फिर लगती है बाड़मेर की, फिर लगती है आपके गंगानगर की, और फिर लगती है आपके किसकी? बीकानेर की। तो सबसे कम किसकी लगी? बीकानेर की। सबसे ज्यादा किसकी लगी? जैसलमेर की। लेकिन अगर आप बात करोगे कि पाकिस्तान के नजदीक कौन सा जिला है, तो गंगानगर नजदीक है, ठीक है, और कौन सा जिला सबसे दूर है, तो बीकानेर सबसे दूर है। अब गंगानगर के अंदर एक गांव है हिंदूमलकोट करके, गांव का नाम क्या है? हिंदूमलकोट। वहां से पाकिस्तान शुरू होता है, कहां खत्म हो जाएगा? बाड़मेर का एक गांव है बाकासर, आपने सुना भी होगा, सिव के अंदर बाकासर गांव है, उस बाकासर गांव तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। उस बाकासर गांव से आगे पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। कहां से? दोबारा सुन लीजिए, गंगानगर के हिंदूमलकोट से बाड़मेर के बांकासर तक पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। या इस दोनों गांव के बीच में दूरी कितनी है? 1070 किलोमीटर की दूरी है। चार जिले हो गए, नाम बता दिए। अब आपको समझ में आ गया अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब इनको जोड़ते हैं। देखो मैंने पंजाब से गुजरात तक सीमा बताई, वो टोटल सीमा आपकी है 4820 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर सीमा है? 4820 किलोमीटर वो टोटल, सॉरी 4850 किलोमीटर, सॉरी, अब 4850 किलोमीटर वो सीमा है। अब जोड़ते हैं 1070, उसमें जोड़िए 1070 जोड़िए, 5920 होगा, 5920। तो राजस्थान का टोटल सीमा बॉर्डर कितना है? 5920। अगर आपको याद हो तो मैं इंडिया वाले में आपको बताना भूल गया था, तो आज बता देते हैं, कोई बात नहीं। 15200 किलोमीटर भारत का क्या है? जमीन, जो हमारा जो भूमि है, यानी धरातलीय जो क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्रफल है। और 7516 किलोमीटर क्या है? आपकी कोस्टल एरिया, यानी कोस्टल का मतलब क्या हुआ? समुद्री सीमाएं।
अंडमान निकोबार इसमें शामिल है, लक्षद्वीप वगैरह शामिल है 7516 में, ठीक है। टोटल हुए 22,700 किलोमीटर। भारत की टोटल सीमा कितनी है? 22,700 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अच्छे से याद रखिएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने जो सवाल पूछा उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, इट्स अ बैड थिंग। आई थिंक आपको जवाब देना चाहिए, गलत होगा कोई बात नहीं। मैंने जो सवाल पूछा आपको, कल मैं करक रेखा बताना भूल गया था जब हमारा क्लास लाइव आया था परसों वाला सोमवार को, फिर बात करें आज बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बारे में चिंता मत कीजिए। राजस्थान भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, तो उसमें राजस्थान भी है। तो आप सवाल जवाब जरूर दीजिएगा कि करक रेखा है वो कितने डिग्री पर होती है, ये बता दीजिए। चलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सवाल है, मैं फिर करक रेखा के बारे में बताऊंगा आपको, कितने डिग्री पर करक रेखा होती है, कितने डिग्री अक्षांश पर करक रेखा होती है, ठीक है, कौन से लेटिट्यूड पे होती है, फटाफट बताइएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। आप रिस्पांस नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप जुड़े रहते हैं, हमारे बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है ताकि और ज्यादा हम क्या कर सके, अच्छे से समझ सके। आप मेरे कहने का उद्देश्य ये होता है, आप जानो उसको, आप अपने दिमाग में रखो, आपके एग्जाम में काम आए, आपके लाइफ में काम आए, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप आंसर भी दिया कीजिए। करक रेखा कितने डिग्री पर है, आंसर देना है आपको, और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैंने ये सारी चीजें बताई, अब थोड़ा वापस चलते हैं, वापस गंगानगर हनुमानगढ़। अब उभयनिष्ठ जिले बताते हैं, यानी आपको ऐसे जिले बताएंगे जिनकी दो राज्यों से क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है, दो राज्यों से क्या लगती है सीमा। जैसे हनुमानगढ़ की बात करें, मैंने हनुमानगढ़ का जब नाम लिया तो हनुमानगढ़ की सीमा आपके पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है, तो एक हनुमानगढ़ हो गया। अब एक और बात करें, नीचे आइए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो है उसकी सीमा भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों से लगती है, तो भरतपुर क्या हुआ, उभयनिष्ठ जिला हुआ। कौन सा उभयनिष्ठ, मतलब दो राज्यों से सीमा लग रही है, ठीक है। एक तो हो गया हनुमानगढ़, पंजाब हरियाणा से सीमा, एक हो गया आपका कौन सा, भरतपुर, किससे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, एक हो गया धौलपुर, किससे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। अब आ गया आपका बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की सीमा किससे, गुजरात और मध्य प्रदेश से, तो सीमा लग रही है कि नहीं लग रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये उभयनिष्ठ जिले हैं। कई बार सवाल क्या कर लिया जाता है, यहां पे सीधा पूछ लिया जाता है। भीलवाड़ा में आपको कंफ्यूज नहीं होना, भीलवाड़ा का छोटा सा हिस्सा मध्य प्रदेश को टच कर जाता है। भीलवाड़ा जब आप मैप में देखोगे तो बहुत बीच में दिखता है, तो अपन सोचते हैं उसकी नहीं लगती, दिमाग में ये मत सेट कर दीजिएगा, भीलवाड़ा की सीमा लगती है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। आप जल्दी से बताइएगा जरूर कि आपका सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं राजस्थान के आंतरिक जिलों की, अंदर कौन से जिले हैं, 8 जिले अंदर बचे, 25 जो मैंने सीमा पे बता दिए, 8 पीछे बचे, वो आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से हैं, नाम याद रखने का सिंपल तरीका है, आप अंदर, अब जो सीमा पर नहीं है उनको याद करिए। ऊपर से शुरू करते हैं अपने, तो आप अगर आते हो कहां पर, यहां पे बीकानेर के पास आइए, जोधपुर आंतरिक जिला है। जोधपुर के बाद अपन देखें तो आपका नागौर, फिर अजमेर, फिर टोंक, दौसा, बूंदी, राजसमंद, पाली, आई थिंक 8 हो गए होंगे। फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए जोधपुर, सर आप गलत भाषा का प्रयोग करें, किसके साथ, हाँ सॉरी गौतम, हाँ आपने सही आंसर दिया है, हाँ ऐसे रिप्लाई करना है गौतम परमार, सही बात है। इनको आप जवाब दीजिए कि आप इस तरह से भाषा का प्रयोग मत कीजिए, हम आप स्टडी के लिए आए हैं, ये शायद कहीं और बाहर से होंगे और इनको इंडिया से शायद नफरत है, इस वजह से इन्होंने ऐसा प्रयोग किया है, लेकिन ऐसे लोगों को आप जवाब दीजिए, अपने शालीनता से जवाब देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन गाली गलौज कोई देता है तो देने दीजिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे। चलिए अपन जाने दीजिए, अपनों अपना काम करना है, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, अब बात करें अपन, एक बार शेयर कीजिए और लोग जुड़ जाएं, कौन से अंदर वाले जिलों की बात करें, मैंने बताया जोधपुर, जोधपुर के बाद में कौन हो जाएगा आपका नागौर, उसके बाद में कौन सा जिला है आपका अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमंद, पाली और बूंदी, 8 जिले हो गए। ये आंतरिक है, आंतरिक का मतलब क्या होता है, इनकी किसी राज्य से क्या नहीं लगती है, सीमा नहीं लगती है। ये टोटल 33 जिले होंगे। आई थिंक आपको इससे कोई सिंपल तरीका नहीं हो सकता, इस तरह से याद रखोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ट्रिक वाले सवाल कई बार गलत हो जाते हैं। इस तरह से आप राजस्थान को याद कीजिए, सारे देखो राज्य याद हो गए, सारे राज्यों की सीमा, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा, अंदर कितने जिले, सब याद हो गए। एक अंदर की और बात बताते हैं, पाली जो जिला है, पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है, सर्वाधिक सीमा पाली जिले की सीमा लगती है, कितनी, 8 जिलों के साथ क्या लगती है, पाली जिले की सीमा लगती है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं करक रेखा पर, आपने तो आंसर नहीं दिया, चाहे आप देना नहीं चाहते या आपको आता है, लेकिन मुझे पता आता तो सबको है लगभग, लेकिन आप आंसर दीजिए, यह चीज जरूरी है, यू हैव टू आंसर मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। चलिए अपन मैं बता देता हूं आपको करक रेखा के बारे में, पृथ्वी को हम किस में बांटते हैं, अक्षांश और देशांतरों में बांटते हैं। अक्षांश की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं। अगर आप उससे ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 1.5 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 8.42, 37.6,
ये आपका हो गया भारत का विस्तार, वेरी गुड, सही आंसर है भारत का ये अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको आप ऐसे बोलिएगा ठीक है, 8.4 लिखते हो 8 डिग्री 4 मिनट बोलना, वो 4 मिनट होता है, टाइम कटता है इसमें से ठीक है, वो कभी आपको अक्षांश देशांतर पे वीडियो लाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। तो 23.5 उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा पड़ती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कैंसर ट्रॉफिक कहते हैं, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है उसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं, 66.5 ऊपर पड़ती है उसको हम आर्कटिक वर्क कहते हैं, क्यों कहते हैं आर्कटिक वर्क, क्योंकि ऊपर एक महासागर है आर्कटिक, 66.5 नीचे पड़ती है दक्षिण गोलार्ध में उसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका वर्क, क्योंकि वहां पे एक महाद्वीप है अंटार्कटिका इस वजह से, और 90 डिग्री पे हमारे क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, और वो ध्रुव क्या होंगे आपके 90 डिग्री और 90 180 टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 180। उसमें से राजस्थान में से कौन सी गुजरती है, जो मेन की बात करें तो वो गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री, एक मिनट कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का होता है, एक घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, उसको आधा करना है तो डिवाइड होता है तो कितना होगा, 60 का 2 50 होता है, 30 होता है, वैसे 100 का 50 हो जाता आधा, वैसे 60 का क्या हो जाएगा 30, इस कारण इसको ऐसा बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो कुंभाराम जी गोदारा गुड मॉर्निंग, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग इट्स गुड इवनिंग, आपने शायद गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब आप देखिए जो ये आपका 23.5 डिग्री है ये कर्क रेखा है, ये राजस्थान के भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें गुजरात से गुजरती है आपके मध्य प्रदेश से, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड त्रिपुरा मणिपुर इन राज्यों से क्या करती है, ये गुजरती है 8 राज्यों से, उनमें से राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है ये बात करते हैं, तो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर की आपकी किशनगढ़ तहसील करके एक है वहां से ये गुजरती है। इसका मतलब राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हुआ, बांसवाड़ा, क्योंकि उसमें से क्या गुजरती, कर्क रेखा, जहां से कर्क रेखा गुजरेगी सूर्य की सबसे सर्वाधिक सीधी किरणें उस पर पड़ेगी। चलिए शेयर कीजिए, आप कम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार शेयर कीजिए, ऐसे मत कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए यहां पे पड़ेगा क्या हो जाएगा आपका 59 डिग्री, अब सॉरी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां क्या होगी, गर्मी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर अपन राजस्थान के सबसे गर्म जिले की बात करें तो वो गर्म जिला है चूरू। देखिए बांसवाड़ा गर्म जिला क्यों नहीं है, क्योंकि हम बांसवाड़ा के अंदर 56 का मैदान है वहां मतलब 56 नदी नालों का समूह बहता है, इस वजह से वहां जंगल है और वहां वन होने के कारण वहां पे क्या नहीं है, वहां पे गर्मी कम पड़ती है। चूरू का रीजन क्या है, चूरू में चूना पत्थर की क्या है, ज्यादा प्रचुर मात्रा है। अब चूना पत्थर जल्दी क्या होता है, गर्म होता है, और जब चूना पत्थर ज्यादा जल्दी गर्म होता है तो उस कारण वहां पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बोस एंड नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, थैंक यू। खेताराम जी 3314 नहीं है, 3214 है, 3214 है, 2933 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार शेयर कीजिए, तो अपन बात करें चूरू सबसे क्या हो गया, गर्म, और चूना जल्दी ठंडा हो जाता है, तो चूरू सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला भी कौन सा, चूरू, सबसे गर्म जिला भी कौन सा आपका, चूरू होगा, ठीक है। अब बात कीजिए, अब देखते हैं अपन सबसे गर्म जगह, देखिए दो सवाल आएंगे आपको, घुमा के पूछेगा, जिला पूछेगा फिर स्थान पूछेगा, सबसे गर्म स्थान पूछ ले फलोदी जोधपुर वाला, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ठंडे स्थान की बात, माउंट आबू सिरोही, ये सबसे क्या है हमारा, सबसे ठंडा स्थान है। तो बांसवाड़ा के ऊपर कर्क रेखा गुजरती है लेकिन वो सबसे गर्म जिला नहीं है, लेकिन आपको पूछ ले कि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है तो सबसे गर्म जिला बांसवाड़ा होगा। अब बात करते हैं सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, तो गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी, क्योंकि गंगानगर 30.12 पर है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन देशांतर पे, देशांतर जो मैंने आपको बताए थे वो थे 69.30 से 78.17, 69.30 पे कौन है आपका जैसलमेर, 78.17 पे कौन है आपका धौलपुर, धौलपुर में सबसे पहले दिन उगेगा, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है तो सबसे पहले दिन कहां उगेगा, धौलपुर में, सबसे लास्ट में कहां दिन उगेगा, जैसलमेर के अंदर दिन उगेगा, ठीक है। कितना फर्क होता है, 8 डिग्री का फर्क होता है, इसका मतलब आप 8 को 4 से गुणा कीजिए, 8 को 4 से गुणा करने पर 32 आता है, यानी और 8.47 होता है डिगरी का फर्क है, तो 8 से 4 से गुणा करो 32 होता है, 32 47 को अगर ऊपर गुणा 35 मिनट का फर्क होता है, किसके बीच में, धौलपुर और जैसलमेर के टाइम के बीच में, सूर्योदय के बीच में 35 मिनट का क्या होता है, फासला होता है। एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं, ये तो समझ में आ गई बात, अब बात करते हैं सर्वाधिक बारिश कहां होती है, तो सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के अंदर होती है, ध्यान रखिए झालावाड़ सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाला जिला, सबसे कम बारिश कहां होती है, जैसलमेर के सम में, क्योंकि यहां पर रेगिस्तानी एरिया, इस वजह से सबसे कम बारिश जैसलमेर के सम में। स्थान पूछ ले आपको कि सर्वाधिक बारिश कहां होती है, स्थान के हिसाब से माउंट आबू में सर्वाधिक क्या होती है, बारिश होती है स्थान के हिसाब से। चलिए अब ये बात हो गई आपके क्लियर, अब थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में बात कर ले, मैंने क्षेत्रफल बताया आपको,
342,249, राजस्थान का। अब बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, यानी सर्वाधिक जमीन किसके पास में है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जमीन है आपके जैसलमेर के पास में, 38,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये जैसलमेर के पास सर्वाधिक जमीन है, और जैसलमेर के अंदर आप 80 से 90 देश बना सकते हो, इतना बड़ा जैसलमेर है। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा भारत का जैसलमेर दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो आपको आंसर देना है भारत का पहला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मैं क्या बता रहा हूं, जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, आप आंसर दीजिए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप में से जिनको आंसर आता है पिछली बार की तरह नहीं करना है, आंसर देना है और एक बार शेयर करना है ताकि और लोग क्या कर सकें, जुड़ सकें। अब बात कर दी सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, जैसलमेर 38,000 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर क्या क्षेत्रफल है। अब बात करें सबसे छोटे जिले की, तो वो है धौलपुर, और उसकी जो क्षेत्रफल है वो 3,033 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे छोटा जिला हो गया। देखिए जो सबसे पूर्व में पड़ता है वो सबसे छोटा, जो सबसे पश्चिम में पड़ता है वो सबसे बड़ा, जहां सूर्य उदय होता है वो छोटा है, जहां अस्त हो रहा है वो सबसे बड़ा है, बस सिंपल तरीका जो धौलपुर और जैसलमेर को याद करने का। अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में, चलिए आंसर दीजिएगा भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये सवाल है मेरा आपके लिए। चलिए राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है आपका, जैसलमेर है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा वो बताना है आपको। जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अभी जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, अभी लद्दाख में पड़ता है, इससे बड़ा हिंट क्या दूं आपको, अभी आंसर दे दीजिए आप जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करते हैं अपन, अगर बात करें किसकी, धौलपुर की बात कर लें, अब जनसंख्या की बात करें यानी सर्वाधिक जनसंख्या किसकी, वैसे मैं जनसंख्या के ऊपर अलग से टॉपिक लेके आने वाला हूं, आज दो जिलों की बता देते हैं, बाकी के अपन डिटेल में लेके आएंगे, जनघनत्व कितना है, इसके अलावा लिंगानुपात कितना है, और इसके अलावा साक्षरता कितनी, वो अलग टॉपिक पूरा टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब बता देते हैं राजस्थान में टोटल जनसंख्या राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार, अब जनगणना के बारे में थोड़ा सा बता दें, इंडिया की बताई थी उसने नहीं बताया था। देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है, कब होती है 1872 में, लॉर्ड लिटन करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उस वक्त के वॉइसरॉय गवर्नर थे। चलिए आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। फिर लॉर्ड रिपन आया 1881 में, लॉर्ड रिपन ने क्या की, दशकीय गणना शुरू की, दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना का मतलब हुआ नियमित रूप से हर 10 साल बाद जनगणना होगी, कब शुरू हुई 1881 में, तब से लगातार हो रही है 1881, फिर 91, फिर 1901, 1911, 1921, 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, अब 2021 आने वाला है, फिर से होगी। ठीक है, यह टोटल हुआ 15, टोटल कितना हुआ 15, अभी जो होगी वो 16वीं होगी। ठीक है, आजादी की बात करें तो आप गिन लीजिए, एक आजादी के बाद अपन 1947 में आजाद हुए, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 7वीं थी, अभी होगी वो 8वीं होगी। ठीक है, ये जनसंख्या ऐसे याद रखिए, हर 10 साल बाद भारत में क्या होती है जनगणना, जनगणना का मतलब हुआ लोगों की संख्या को गिनती करना, लॉर्ड रिपन के काल में शुरू। अब एक दशक याद रखना आपको, कौन सा, 1901 से 1911 का दशक आपको याद रखना है, उसमें क्या हुआ, सॉरी 1911 से 1921 का दशक है, उसमें क्या हुआ, हमारी जनसंख्या माइनस में चली गई, पहली बार एकमात्र ऐसा हुआ है जब जनसंख्या माइनस में चली गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था उस दौरान, और बहुत ज्यादा अकाल पड़े थे महामारी की वजह से, जनसंख्या कम हो गई थी, तो 1911 से 1921 में एकमात्र दशक है जिसमें जनसंख्या क्या हुई थी, कम हुई थी। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ी, कौन से दशक में, 1981 के दशक में, और भारत की 1971 के दशक में सर्वाधिक बढ़ी। फिर 2011 की जनगणना आते हैं, भारत की जनसंख्या मैंने बताई, मैं डिटेल में लेके आऊंगा कभी इस पे, 121 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 6,85,00,000, 6,85,00,000, अभी आप जो आंकड़े मिलते हैं कि 7 करोड़ से ऊपर होगी, अब उसको आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, अपन एग्जाम में वही चीज आती है जो पीछे की जनगणना हुई है, तो 2011 की याद रखिए, जब 2021 में आ जाएगी तो फिर वो आंकड़े काम आएंगे। चलिए एक बार शेयर कीजिएगा और लोग जुड़ जाएं। अब बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला है, तो उसकी बात करें जयपुर, 66,00,000 जनसंख्या उसकी, जयपुर की कितनी जनसंख्या है, 66,00,000 जनसंख्या है किसकी, आपके जयपुर की, ये सबसे बड़ा जिला हुआ जयपुर, कौन सा, किस हिसाब से, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण दोनों जनसंख्या के हिसाब से, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा इसके लिए अलग से। सबसे कम जनसंख्या की बात कर लें, जो सबसे बड़ा है उसकी जनसंख्या सबसे कम है, क्षेत्रफल जिसके पास ज्यादा है, जमीन ज्यादा है लेकिन लोग कम है, वो कौन है, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर के पास 6,00,000 लोग है। एक सिमिलरिटी बताता हूं आपको आसान तरीके का, भारत का आपको आपके कभी जनघनत्व पूछ ले कि भारत का सबसे कम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है, और राजस्थान का सबसे कम किसका जनघनत्व पूछ ले तो जैसलमेर का है 17 है। भारत का सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है तो बिहार का है, 1100 से कुछ ऊपर किलोमीटर लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, और अगर आपको पूछ ले जयपुर का सर्वाधिक है 595, ये राजस्थान में सर्वाधिक है। इसके अलावा अगर बात करें भारत का जनघनत्व, भारत का खुद का कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वो अपन जब जनसंख्या लेके आएंगे उसमें बात करेंगे। एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। ये बातें थी हमारे राजस्थान के जनसंख्या के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं संभागों के बारे में।
अब आपको पता है संभाग होते हैं और राजस्थान में कितने संभाग है, ये तो आंसर दे दीजिए। बाकी आपने नहीं आंसर दिए हैं, आज मुझे बहुत बुरा फील हुआ है, आप आंसर नहीं देते हो, अच्छा नहीं लगता, प्लीज आंसर दीजिए, दिया कीजिए, आपको आते हैं तो आंसर दिया कीजिए। चलिए अब तो ये तो बता दिए राजस्थान में कितने संभाग हैं, सिंपल सवाल है। चलिए मैं पीछे वाला सवाल आपका सही करता हूं कि आपका जो मैंने पूछा था भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा, वो आपने आंसर दे दिया, मैं देता हूं उसका आंसर है आपका कितने हैं, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम दूरी स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, कब से सबसे कम, गंगानगर सबसे नजदीक है और बीकानेर सबसे दूर है, बता दिया था मैंने आपको, चौहटन में विधानसभा का गांव है बाकासर। थैंक यू गोवर्धन डूडी जी, आपको आप वहां से होंगे शायद, विधानसभा की क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सा तहसील में पड़ता है, कौन से पंचायत में पड़ता है वहां की बात कर रहा हूं, विधानसभा क्षेत्र अलग चीज हो जाती है फिर, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में अलग चीजें आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं, आप संभागों का आंसर दीजिए, ऐसे कैसे चलेगा। चलिए अब बात करते हैं, मैंने बताता हूं भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब पड़ता है आपका कहां पर, वो पड़ता है आपके लद्दाख में, लेह सबसे बड़ा जिला है। देखिए राजस्थान और लद्दाख में कुछ समानताएं हैं, कैसे, राजस्थान में गर्म मरुस्थल है, लद्दाख में ठंडा मरुस्थल है, दोनों जगह है मरुस्थली, राजस्थान में गर्म मरुस्थल है, हमें गर्मी से मरना पड़ा, देखिए गर्मी हो रही है वहां पे, क्या होता है ठंड ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए बताइए कितने हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र है, बाड़मेर से कितना किलोमीटर है, बाड़मेर से बॉर्डर कितना है? इसका तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैंने बाड़मेर का बता दिया कि राजस्थान बाड़मेर से क्या लगती है इसकी सीमा, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, या आप पता कीजिए कहीं से, या फिर मैं कभी और बता दूंगा आपको। चलिए अभी एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। चलिए अब बात करते हैं अपन संभागों के बारे में, चलिए आप फिर भी आंसर नहीं देते, मैं देता हूं, 23.5 संभाग, संभाग में समझते हैं जिलों का समूह बनाया जाता है फिर उसका संभाग बनता है, 23.5 ये मोतीराम जी ओला किसका आंसर हुआ, चलिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अपन बताते हैं आपको राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग है, राजस्थान में कितने संभाग है, 7, एक बार शेयर कीजिए और लोग जुड़ेंगे। अभी अब कुछ ही टाइम में मैं आपको कविता सुनाने वाला हूँ, जाइएगा मत, रिक्वेस्ट है, ठीक है, उस कविता को आपको एनालिसिस करना है, कैसी मेरी कविता लिखी है मैंने, अच्छी सी कविता लिखी है हमारे मजदूर वर्ग पे, तो उसको मैं आपको सुनाऊंगा, आप जरूर सुन के जाइएगा एक बार, ठीक है। राजस्थान में टोटल संभाग है 7, कितने हैं 7, जब राजस्थान बना था तब ध्यान रखना 26 जिले थे, कितने जिले थे 26 जिले थे, वर्तमान में कितने जिले हैं 33 जिले हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कौन सा, धौलपुर जो जिला आपका बना वो 1982 में बना, कब बना 1982 में, और ये बना 27वां जिला। उसके बाद बात करें 1991 में कितने जिले बने, 3 जिले बने, कौन कौन से, बारा दोसा और राजसमंद 1991 में बने 3, 27 और 3 कितने हो गए 30 हो गए। उसके बाद जिला बना हनुमानगढ़ 1994 में, फिर जिला बना आपका करौली 1997 में, फिर जिला अंतिम जिला प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को, ये हमारा 33वां जिला था, तो टोटल जिले हो गए, आजाद हुए तब 26 थे, ये इस तरह से बन करके कितने हो गए 33 हो गए, याद रखिएगा, अंतिम जिला प्रतापगढ़। अब संभागों की बात करें, जब राजस्थान आजाद हुआ तब 5 संभाग थे, कितने संभाग थे 5 संभाग थे, फिर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आती है, हमारे मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे मोहनलाल सुखाड़िया, और उनके नाम की यूनिवर्सिटी भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, किसके, राजस्थान के, तो उन्होंने क्या किया, संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि कोई संभाग व्यवस्था नहीं होगी, संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। फिर 1987 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बन के आते हैं, हरिदेव जोशी की सरकार आती है, तो हरिदेव जोशी वापस इसको क्या लेके आए, हरिदेव जोशी इसको वापस लेके आए 23.5 डिग्री, वीरेंद्र गोदान, हाँ कर्क रेखा का आंसर दे रहे हो आप, चलिए हाँ, तो आपके शायद लेट से पहुंचना है, 23.5 सही आपका कर्क रेखा कह रहे थे, चलिए अब मेरे से लेट पास पहुंचा तो मैंने सोचा किसका दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आंसर मेरा पर्सन पीछे नहीं छूट जाए और मैं फिर कंफ्यूज नहीं हूं, ठीक है। अब याद करें अपन, शेयर कीजिए एक बार, अपन याद करें किसके बारे में, संभागीय व्यवस्था, हरिदेव जोशी 1987 में वापस लेके आए, तब 6 संभाग थे, वर्तमान में 7 संभाग है, वर्तमान में कितने संभाग है 7, सातों के नाम सुन लीजिए, हम जिस संभाग में पड़ता है, हमारा जिला जिस संभाग में पड़ता है वो हमारा संभाग है जोधपुर, कौन सा है जोधपुर, और संभाग कौन कौन से हैं, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर, ये आपके क्या है 7 संभाग है, कौन कौन से दोबारा सुन लीजिए, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, आपका उदयपुर, और इसके अलावा कौन सा, कोटा और भरतपुर, ये हमारे संभाग है, कितने टोटल 7। हमारा जिला बाड़मेर किस कौन से संभाग में पड़ता है, ध्यान रखिएगा जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, कितने जिले पड़ते हैं 6 जिले पड़ते हैं, नाम सुन लीजिए कोई बात नहीं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, जालोर, सिरोही, पाली, ये हो गए होंगे 7, आपके 6 हो गए होंगे, ये जिले पड़ते हैं किसके अंदर, जोधपुर संभाग में, सर्वाधिक क्या है आपका
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, ध्यान रखिएगा जयपुर है। जयपुर में कौन कौन शामिल है, जयपुर और इसके अलावा आपका सीकर, झुंझुनू और इसके अलावा अलवर, ये शामिल है किसके अंदर, आपके जयपुर संभाग के अंदर ये चीजें शामिल है। उदयपुर फिर पड़ता है, उसमें कितने जिले पड़ते हैं, 6। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर क्या करते हैं, उदयपुर जो संभाग है उसके अंदर पड़ती है उदयपुर। उदयपुर के अलावा उसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है और राजसमंद है। ये 6 जिले पड़ते हैं आपके कौन से में, उदयपुर संभाग के अंदर पड़ते हैं। चलिए बीकानेर संभाग बचा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये पढ़ते हैं आपके कौन से संभाग में, बीकानेर संभाग के अंदर। ये जैसे जिले याद रखिए आप दिमाग में, मैप दिमाग में रखिए, मैप दिमाग में दौड़ना चाहिए, तभी आप कंपटीशन एग्जाम में सवाल सही कर सकते हो। ट्रिक से कभी याद नहीं, कभी देखो ट्रिक्स छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आप इस तरह से बैठ करके चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। आप अच्छे, आप में से बहुत से अच्छे लोग हैं जो टीचर बनेंगे आगे आने वाले टाइम में, जब आप टीचर बनोगे तो आपको खुद को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए मैपिंग चीज होनी चाहिए, ज्योग्राफी आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि ये चीजें बहुत क्या हो जाए, आसान हो जाए, आपको बहुत हेल्प करना है। कोटा की बात कर लें, कोटा संभाग में कितने जिले पड़ते हैं, 4 जिले पड़ते हैं, आपको पता होगा कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, ये 4 जिले हो जाएंगे कोटा में। कोटा के बारे में बात याद रखनी, कोटा में सर्वाधिक नदियां बहती है, कोटा में क्या बहती है, सर्वाधिक नदियां बहती है। फिर बात कर लें भरतपुर संभाग की, 4 जिले हैं भरतपुर के अंदर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर, ये किसके अंदर हो जाएंगे, आपके कौन से संभाग में हो जाएंगे, भरतपुर में हो जाएंगे। पीछे बचा अजमेर, अजमेर में भी 4 जिले पड़ते हैं, और वो 4 जिले कौन से हैं अजमेर के अंदर, वो याद कर लीजिए आप, अजमेर खुद हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा और टोंक हो जाएगा। चलिए ये सारा आपका क्या, सारे 33 जिले हो गए, संभाग हो गए 7 हैं। तो इस तरह से आप चीजें याद रखिए, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के। चलिए अब अपन ने बात की इतनी सारी चीजों के बारे में राजस्थान के, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राजस्थान का सबसे उच्चतम स्थल कौन सा है, सबसे ऊंची जगह कौन सी है। पहले भी बता चुका हूं गुरु शिखर है, कौन सी है, वलसाड़। कहां पर है सर, वलसाड़ गुजरात में है भाई साहब, आई थिंक, हाँ वलसाड़ गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है, वलसाड़ राजस्थान में नहीं है, गुजरात में पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अपन, अगर बात करें सबसे ऊंची जगह की, तो गुरु शिखर है। ये मैं एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, यानी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे, उस दिन मैं बताऊंगा, आज इतना डिटेल में नहीं, फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है, फिर मुझे मेरी कविता भी सुनानी आपको, वो जरूर सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। अब चलिए ये मैंने चीज़ें बताई, सबसे ऊंचा स्थान बता देता गुरु शिखर 1722 मीटर, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट आबू सिरोही में पड़ती है। सबसे निचला स्थान पूछ ले आपको सांभर झील, सांभर झील कहाँ पर है, जयपुर के पास में सांभर झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जयपुर। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ध्यान रखना, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है, इस कारण सवाल आएगा। कंपटीशन एग्जाम का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा वही सवाल आता है जो करंट अफेयर्स में क्या रहा है, न्यूज़ में रहा है, वही न्यूज़ से जुड़ा हुआ उससे आसपास का सवाल उठा करके आपको दिया जाएगा, तो जो चीज़ न्यूज़ में है उसको याद कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा राजस्थान का परिचय कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर चलते हैं अपनी पोइम की तरफ, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए मेरा राजस्थान का परिचय कैसा लगा आपको।